subscribe and click the bell icon for television updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेली बाइट्स में, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। दोस्तों आज हम आए हैं बहुत सारी बातें करने के लिए अमन महेश्वरी जी के साथ, जो कि हम देख रहे हैं जिन्हें बड़े अच्छे लगते हैं कि सेकंड सीजन में। तो सर कैसे हैं, पहले आप ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक हैं। और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आपके शो के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में? वेल, शो के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, और आई एम श्योर लॉट ऑफ आप लोग उसे देख रहे होंगे। यू नो, सबका फेवरेट है, घर पे दादी दादा मौसी मौसा जी, लाइक ऑल द फैमिली मेम्बर्स वॉच इट। इट्स अ टोटल फैमिली ड्रामा, और काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया गया है, बिकॉज सीजन वन वॉज सच अ बिग हिट। वो उतना मशहूर शो रह चुका है बालाजी टेलीफिल्म्स का, तो हम जब छोटे थे तब उसको देखते थे, एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट कि ओ राम कपूर की लाइफ में ये हुआ है, अब प्रिया क्या करेगी, प्रिया की लाइफ में ये हुआ है, ये करेंगे। एंड व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, जब मुझे फ़ोन आया कि बड़े अच्छे लगते हैं टू में अमन आप सेलेक्ट हुए हैं, आप नीरज प्ले कर रहे हैं जो कि प्रिया का एक्स है, तो पहले मुझे लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुशी से मतलब झूम उठा, जिसको बोलते हैं ना कि आई वाज लाइक वाओ, ये होता है कुछ ढंग का ब्रेक। सो आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड। और नीरज जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है मेरी रियलिटी से, बिकॉज अमन महेश्वरी इज़ डिफरेंट, नीरज इज़ टोटली डिफरेंट। नीरज एक जो दिशा परमार है, जो प्रिया का किरदार प्ले कर रही हैं, मैं उनका एक्स बॉयफ्रेंड बनाऊँ। सो प्रिया का एक्स बॉयफ्रेंड है नीरज, जिसने शादी करी है मैत्री से, जो कि अंजुम प्ले कर रही हैं, आपने उनको कुंडली भाग्य में देखा होगा। एंड मैं उनका प्रेजेंट हस्बैंड हूँ, दिशा का एक्स हूँ, बहुत ही बदतमीज़ हूँ, घमंडी हूँ। नीरज मैं नहीं, नीरज बहुत ही घमंडी और बदतमीज़ है, और वो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि प्रिया को उससे बेटर लड़का, इन सेंस कि राम कपूर इज़ लाइक अ वेरी वेल स्टेब्लिश, बहुत ही पैसे वाला और बहुत ही अच्छा इंसान है, जो कि तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि प्रिया को मुझसे बेटर लाइफ कैसे मिल सकती है। बिकॉज नीरज ने प्रिया को डिच करा था ये सोच के कि ये बेकार सी लड़की है, ये हमेशा यू नो फुल ऑफ लाइफ नहीं है। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन आ चुका है हमारे शो में, जिसमें हमने दिखाया भी है कि मैं वेदिका, जो कि राम की एक्स प्ले कर रही है रीना अग्रवाल, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, कि ये राम कपूर जो है इसको ये तो मिल गई है, बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वो खुश कैसे रह सकती है। और मैं और वेदिका बस अब यही प्लान कर रहे हैं कि हम प्रिया और राम कपूर की लाइफ में कुछ यू नो कुछ मसाला कर दें वापस। तो क्या प्लान किया है आपने और वेदिका ने वैसे? वेल, उसके लिए तो आपको 8 बजे रोज सोनी टेलीविजन पे मंडे टू फ्राइडे बड़े अच्छे दिन लग रहे देखना होगा, और आई थिंक काफ़ी सारी प्लानिंग आ चुकी है ऑलरेडी। एंड मुझे इंटरनेट पे काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है, एंड लोग पर्सनल क्वेश्चन भी पूछते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, दिशा दीदी इतनी क्यूट हैं। मैंने, दिशा दीदी बहुत क्यूट है बट नीरज इज नॉट अ गुड गाय, अमन महेश्वरी इज अ गुड गाय, सो दैट्स व्हाट हैपेंस। ओके, ऐसे जैसे कि अभी आपने ट्रोलर्स की बात किया है, तो कभी आप बाहर जाते हैं कुछ ऐसे मिल जाते हैं लोग जो आपको कहते हैं कि और आप तो निगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं, ऐसे कोई आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट? वेल, ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, ट्रस्ट मी। कल मैं एक रेस्टोरेंट में था अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड उधर से एक आंटी और उनकी डॉटर आई, और बहुत ही प्यार से उन्होंने बोला आप नीरज हो ना, मैंने हाँ आंटी मैं नीरज हूँ, वैसे तो मैं अमन हूँ पर हूँ नीरज। तो बोलते हैं कि बेटा आप जो प्रिया को प्लीज़ परेशान मत करो ना, तो मैंने बोला आंटी मैं प्रिया को तो परेशान करूँगा बट मैं दिशा को परेशान नहीं करता। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ था, बट उनको बहुत खुशी थी, उन्होंने यू नो सेल्फी भी ली और बहुत ही प्यार से बोला कि आप अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रहे हो, अगर नीरज से लोग हेट कर रहे हैं दैट मींस मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आपको जब ये रोल मिला आप बहुत एक्साइटेड थे, तो कैसे आपने इस रोल के लिए मतलब कन्विंस किया? और वेल, कन्विंस लाइक एक्साइटेड था, मुझे हमेशा से ऐसा था कि ग्रे शेड कैरेक्टर मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे। मैं पहले भी जब भी कोई बालाजी का शो देखता था, हम लोग सभी ये सब क्यों की शादी का वो थी और ये देख के ही बड़े हुए हैं, तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि पॉजिटिव करना इज़ लाइक वेरी गुड, बट नेगेटिव में जो मज़ा है ना, मतलब जब आप पूरा गेम घुमा देते हो पूरे शो का, दैट इज़ द अल्टीमेट फन, मतलब उसका तो सॉरी मुझे तो किक मिलता है। नेगेटिव करता हूँ जब मैं, बिकॉज यू प्ले विद योर एक्सप्रेशंस, यू प्ले विद योर इमोशन, दैट रिवेंज कि भाई ऐसे कैसे, तो दैट कम्स। या ओके, अगर हम बात करें आपके और भी कैरेक्टर्स के बारे में, आपने अभी तक बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर अब तक का कौन सा था? फेवरेट कैरेक्टर का आई वुड से नीरज इज माई फेवरेट कैरेक्टर, जस्ट बिकॉज मैं ये शो कर रहा हूँ मैं इसलिए नहीं बोल रहा, बट द काइंड ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, और जिस ब्यूटिफुली इसको स्क्रिप्ट में डाला गया है इस कैरेक्टर को, और बहुत ही बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल है, बहुत सारी दिशाएं वहाँ पे देख रही होंगी ये शो, और बहुत सारे नीरज भी देख रहे होंगे वो वाला शो, कि बिकॉज बहुत सारे लड़कों को या लड़कियों को ना ये बर्दाश्त नहीं होता कि जिस इंसान को उन्होंने छोड़ा है वो और बेहतर जिंदगी अच्छे पार्टनर के साथ में कैसे रह सकता है।
सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एकता मैम ने ये ब्रेक दिया. और एक बार मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करा था Z5 की ऐप पे वरुण शर्मा के साथ में, द चूचा फ्रॉम फुकरे मूवी. आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो वेयर आई एम वेयरिंग ए यूनिफॉर्म. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो, मतलब यू नो एडमेंट आप में वो रुतबा है, आपने यूनिफॉर्म पहनी और आपने डायलॉग्स बोल रहे हो, सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके, अगर हम बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में तो हमें थोड़ा सा हिंट मिला है कि अब आप और एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उस बारे में थोड़ा सा खुलासा करें. वेल खुलासा में ये है कि एक अमेजोन प्राइम पे बहुत ही बेहतरीन सीरीज है जिसका सीजन 1 आ चुका है, मैं नाम नहीं ले सकता अभी, उसका सीजन 2 आ रहा है और मैंने ऑलरेडी वो शूट कर लिया है. सो बस वेटिंग फॉर द रिलीज. आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड द वे मैं हर प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड होता हूँ, बिकॉज बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही मेहनत से मिलता है. तो या ओके, अगर हम बात करें अमन की बॉन्डिंग के बारे में बाकी को स्टार्स के साथ, तो आपकी बॉन्डिंग कैसी है दिशा के साथ, नकुल के साथ? आई थिंक शो पे बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है. दिस एवरी वन इज लाइक अ फ्रेंड व्हेन यू गो, लाइक दिशा नकुल फ्रॉम द डे वन ओनली व्हेन आई शॉट विद प्रिया लाइक दिशा, तो मुझे कभी भी ऐसा दे नेवर फेल्ट, बिकॉज शी हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री एंड शी इज़ अ वेरी बिग नेम. वो बहुत ही और वो बहुत ही माहिर है अपने काम में. आई मस्ट से दिशा को मेरे तक डायलॉग्स याद हो जाते हैं स्क्रिप्ट पे 5 मिनट्स एंड शी इज़ रेडी एंड आई एम लाइक सुपर इम्प्रेस विद दिशा. शी इज़ लाइक फिनोमिनल एक्टर, शी इज़ वेरी कन्विंसिंगली प्रिया, मतलब वो लग रहा है कि हाँ वो प्रिया है और बहुत ही स्वीट है. और कई बार जैसे मैं फंबल भी मारता हूँ तो शी रियली हेल्प्स कि नहीं कोई बात नहीं करते हैं वापस करते हैं, तो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं सब लोग. और इवन राम इज़ वेरी वेलकमिंग. मैं नकुल के साथ में भी रिसेंटली एक बहुत ही खूबसूरत सीन आया था तो जिसमें राम मुझे रोकते हैं कि नहीं वो तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो, तुम उसके पास्ट नहीं, तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो, तुम उसके जीजा नहीं, ये डायलॉग था. तो वी डिड इट स्क्रीन पे, वो एग्रेशन वगैरह दिख रहा था बट वंस इट्स कट हम सबको हंसी आ जाती है बिकॉज यू नो देयर इज अ वेरी फ्रेंडली वाइब. मेरी बॉन्डिंग रीना अग्रवाल जो कि वेदिका है उससे बहुत अच्छी है, मैं शो पे ही मिला हूँ उनसे एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर. और हमें बहुत मज़ा आता है बिकॉज हम जो स्क्रिप्ट रिहर्सल कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसे हम डायलॉग्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं कि चल ऐसा करते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा. सो विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. और साथ ही साथ में इनके साथ में अंजुम के साथ में मेरे मैंने अभी कम शूट करा है बिकॉज वो मोस्टली कुंडली में बिजी रहती हैं. जो मैत्री प्ले कर रही है आई थिंक शी इज़ वन पर्सन जो सबको कम्फर्टेबल फील कराती है एंड बहुत ही ईजी गोइंग लड़की है और फुल ऑफ लाइफ है. मतलब मुझे जिस दिन मेरे मैत्री के साथ में सीन्स लिखे हुए आते हैं मैं ऑलरेडी एक्साइटेड होता हूँ बिकॉज देयर सो मच फन उसके साथ में शूट करने में. बहुत ही अच्छी लड़की है. ओके, अभी तक आपने बहुत सारे एपिसोड शूट किए होंगे, कुछ ऐसी मेमोरी जो कि लाइफ टाइम आपको याद रहेगी शूटिंग के दौरान लाइफ टाइम? या ये बहुत बार हो चुका. सो अब हम लोग जब बात कर रहे होते हैं फ्रेंडली वे में तो दिशा ही तो बोलते हैं, प्रिया हम सेट पे बोलते हैं. तो कितनी बार आई स्टिल रिमेंबर एक बहुत ही अच्छा वाला मोनोलॉग था कि आज भी तो मुझसे ही प्यार करती हुई ये करते हैं और वो बहुत फुल ऑफ एक्सप्रेशन आ रहा था और पहले 10 बार प्रिया बोला और एंड में दिशा एंड एवरीबडी वॉज लाइक कि वॉट इज रॉन्ग विद यू अमन, बट दैट वॉज वेरी फनी बिकॉज आप नाम से कन्फ्यूज हो जाते हो तो. और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनका नाम भी नीरज है और मेरा नाम भी नीरज है तो वो कभी किसी नीरज को बोल रहे होते हैं तो सर बोलते हैं सर भी वो अब तो नाउ इज़ कम्फर्टेबल, ही इज़ यूज टू इट राइट नाउ. बट बहुत ही अच्छी टीम है एंड लाइक 2-3 बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स हुए हैं बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर एक बार मेरे सर पे वो गमला गिरना था, मैं उठा रहा था और मिट्टी गिरनी थी उस पर, तो एक में थी नॉर्मल मिट्टी एक में थी बहुत सारी मिट्टी, तो मैंने वो गलत वाला गमला उठा के डाल दिया था एंड एवरी तगड़ी पूरी मिट्टी मेरे ऊपर एंड लाइक शिट. जो वो शो मुझे लगा था वो लोग उस कट को डालेंगे बट वो बहुत ही फनी इंसिडेंट था, एवरीबडी लाफ्ड. तो या ओके, जैसे कि आपने बताया आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो कभी कोई फैमिली रिलेटिव्स कहीं से रिस्पॉन्स है अरे तुम ये कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहे हो? ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा, जैसे मेरे दिल्ली में रिलेटिव रहते हैं, बेटा एक काम कर तू, मतलब मैं मासी से बेटा तू चलो अच्छा कर रहा है ये किरदार तो, बट हम चाहेंगे कि थोड़ा यू नो अच्छा सा कैरेक्टर हो तेरा जिसमें तू सबको खुश रखे. अभी तो तू गालियाँ खा रहा है मतलब सबके सब बोल रहे हैं, मतलब आई स्टिल रिमेंबर मेरा स्कूल का जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी मम्मी का फोन आया, बेटा देख हम तुझे बहुत प्यार करते हैं बट जब तू स्क्रीन पे आता है ना तो ऐसा गुस्सा आता है कि तुझे चाटा मारे. मैंने बोला कि बहुत सारी ऑडियंस माफी भी होगी. तो या तो दैट इज़ द कैरेक्टर एक्चुअली कि वो आते ही पूरा गेम चेंज करने वाला है. ओके, अगर हम बात करें बिग बॉस के बारे में तो बिग बॉस को कितना फॉलो कर रहे हैं बिकॉज बिग बॉस का 15th सीजन चल रहा है और क्या आपको ये शो ऑफर हुआ है कभी? वेल बिग बॉस को मैं पहले बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, इस सीज़न में मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ. और ऑफर येस लास्ट ईयर फ़ोन आया था और यू नेवर नो लाइक अपॉर्चुनिटी कब आ जाए और कब मैं हाँ बोल दूँ.
ओके, तो मतलब आने वाले टाइम में हम शायद आपको बिग बॉस हाउस में देख सकते हैं। वेल, देखिए फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, बट यू नेवर नो, बिकॉज मैं फुल ऑफ एंटरटेनमेंट हूँ, आपको बात करने से समझ आ जाएगा। तो फिर कोई प्लान अगर आपको ऑफर मिलता है तो? वेल, प्लान के लिए तो आई थिंक आप सभी यही जान लोगे ना, होशियार हो। तो ये बोलना चाहूँगा कि आई थिंक अभी तो जो मैं शो कर रहा हूँ उसको बहुत सारा प्यार दें और रेगुलर देखें, और नीरज से जितनी नफरत करनी है करें, मुझे प्यार चाहिए, ठीक है? एंड बी अ लॉयल ऑडियंस। आई एम श्योर सारे लोग अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ बताऊँ क्या होती है, जब इंस्टाग्राम पे DMs वगैरह आते हैं, दे लाइक कि सारे फैंस पोस्ट करते हैं कि हम है ना पूरी कास्ट से बहुत खुश हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या होगी। दे आर नॉट जस्ट सेइंग दिस दिस दिस, ऑफकोर्स नकुल एंड दिशा आर फिनोमिनल एक्टर, बहुत ही खूबसूरती से करते हैं वो लोग, एंड उनकी पेयरिंग भी एज पंखुड़ी और जब पहले रह चुकी है तो वो सुपर हिट जोड़ी है ही। सो आई एम हैप्पी कि लोग सबको इतना यू नो अपना प्यार दे रहे हैं। तो या बहुत ही जल्दी, यू नेवर नो, आई विल गेट इनटू अ न्यू शो और आपको मैं वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट प्ले करता हुआ नजर आऊँ। ओके, चलिए हम जाते जाते अपने ऑडियंस को कुछ मैसेज। वेल, अभी कोविड चल रहा था तो आई एम श्योर लाइक लॉट ऑफ पीपल, आप लोगों को कोविड बीमार भी होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोविड हो गया तो वापस नहीं हो सकता, बिकॉज ये वापस मेरे घर में 2-4 लोगों को हुआ है। तो मास्क पहनिए, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कोशिश करें, एंड ट्रस्ट मी, जो TV सीरियल होता है वो सीरियल की तरह देखें, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। और ऐसे ही रेगुलर प्यार देते रहें और कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच अमन। थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड।